परम सत्कार्य दूरों दूरों आए मेरे किसान वीरों मामा भैणा बजुर्ग बच्चे आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। किसान वीरों ए मोदी सरकार दा अड़ियल वतीरा जड़ा ए तुहाडा ते साडा सारयां दा जड़ा सबर है ओनू होर परखण दा जतन कर रहे ने। ओ सोच है उन्हां दी कि इहनू जिन्ना लंबा कीता जाए उन्हां शायद ए घोल है जड़ा ए नरम पै जाएगा ए लोग उठ जाणगे ते असी अपनी अड़ी जड़ी ए पगा लवांगे। ए अज स्टेज तो असी दसना चाहुंदे आ मोदी साहब नूं मोदी साहब ए तुहाडी छा ते मोदी दी जोड़ी जड़ी है ए उन्हां दी गलत सोच है। एक घोल दिनों दिन वधदा रहूगा और दिनों दिन वध के तुहाडी नींद है जड़ी उहनूं हराम करदा रहूगा। तुहानूं सारी सारी रात जाग के कटनी पऊगी इस घोल दे कारण और इस अंदोलन दे कारण। तुसी ए काले कानून लिया के काले कानूनां नाल ए किसान मजदूर छोटे मुलाजम छोटा व्यापारी छोटा दुकानदार ए सारयां नूं तुसी मारन दा जतन कीता है। ए हर गज तुहाडी जिहड़ी ए चाल जिहड़ी ए इहनूं कामयाब नहीं होण देवांगे। एक गल मैं जरूर अपने सारे साथियां नूं कह देनी चाहुंदा भी किसान वीरो नौजवान वीरो अपनी जिम्मेवारी बनती है एक सब तो वड्डी जेड़ा मोदी सरकार दे मन विच छक गया मोदी सरकार ए चाल चलनी चाहुंदा है आपां नूं उस चाल विच कामयाब नहीं होण देना क्योंकि अपना अंदोलन जेड़ा है इहनूं शांतमई रख के इहनूं अगे वधाउंदे रहना है क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत हथकंडे अपनाउणे ने बहुत हथकंडे अपना के अपने बंदे भी भेज के शरारतां करनगे। जेकर किते जाने अणजाने अपने किसे बंदे कोलों कोई माड़ी मोटी मिस्टेक होगी उसनू अगे ला के उहदू घोल नू कमजोर करन दा उह जतन करनगे। इस करके आपां कोई मौका नहीं उहनां नू देना क्योंकि आपां नू पहलां ही उह कदी अतवादी दसदे ने कदी वक्खवादी दसदे ने। इस करके आपां सारयां ने बहुत ही डिसिपलिन दे नाल जिवें अज तो दो महीने बारह दिन तेरह हो चले ने अज ये घोल जिहड़ा चलदा आ रहा है पर मोदी सरकार दे कन्नां दे जू नहीं सरकदी पर कारण पता नहीं की है की लै लिया उन्होंने अडानिया तो की लै लिया उन्होंने अंबानिया तो उन्हां दो बंदियां दे बदले सारे देश नूं मारन दा जतन कर रहे ने। ये सारे देश दे लोग जड़े ने अज छड़कां ते खड़े ने और मोदी सरकार नूं बार बार ये पुछना चाहते ने लोग वे की गल है तू इन्नी यारी जिहड़ी उहनां नाल पगा रहा है और लोगों नूं मारन वास्ते तू सड़कां ते रोड़ रहा है ये सानू पता लगे भी की गल है जिहड़ा उहनां नाल तू एडा सौदा पक्का कर लिया इस गल तो पिछे नहीं हट रहा। कल भी जिहड़े उहने प्रस्ताव भेजे ने तुहाडियां किसान जथेबंदियां ने आगुआं ने उहनां नूं ठुकरा दित्ता है क्योंकि उहनां दे विच कुछ नहीं सी ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਖਰਬਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਦੂ ਪਿਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। 2016 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਮਰੇ
और मोदी टस तो मस नहीं होया, होर कई फैसले ने किते ने जीएसटी लाती, मैं बहुता उस पासे नु नहीं जाना, और हुण जिहड़ा इहने फैसला कर लिया, इहने किसान नु बिल्कुल मारन दा जतन किया है और मजदूर नु मारन दा जतन किया है, जिहदे नाल सारा देश बर्बाद हो जूगा। किसान वीरों मैं छोटियां जिहा दो लैणा किसी ने लिखिया ने तुहाडे वास्ते कि किसान जिहड़ा है ओ सारी जिंदगी काम करता है, ओदा परिवार करता है, और वो अपनी धर्म पत्नी ला लो, अपने बच्चे ला लो, पर ओना दी मंग जड़ी है, ओना दी आशा जड़ी है, ओना उते पूरा नहीं उतर सकता। ते अडानी ते अबानी जड़े ने एक ऐ करदे ने कि रातो रात शाह वर्गियां दा परिवार अडानिया ते अबानिया दे जहाज लैके बाहर जांदे ने, ते सारे टब्बर नूं हीरियां ते मोतियां दे नाल लद के लै आउंदे ने। की गल, एक किसान दा बच्चा, किसान दा परिवार जिहड़ा है उहनां दा दिल नहीं करदा, उहनां दा भी दिल करदा कि साडी आमदन वधे ते साडा परिवार जिहड़ा उह भी वधिया तरीके नाल रहे। उह लिखदा है कोई एक औरत अपने परिवार नूं पुछदी है, कहिंदी वे मक्की मक्की रोज तू करदा किधर गई तेरी मक्की, तेरे लारे लप्पे जट्टां सुन सुन के मैं थक्की, तिहाड़ी नूं वी बूर पै गया अजे पक्की ना जटावे तेरी मक्की, ते हाड़ी नू मी बूर पे गया। वो कहिंदा नी तोते गालड़कां चुन गए कुछ सोके ने मारी, तोते गालड़कां चुन गए कुछ सोके ने मारी, महंगी खाद पई ना मैं तो मुश्किल होगी पारी, नी थोड़ा दम रख जटिए हाड़ी आउन दे मकादू सिक्त सारी, नी थोड़ा दम रख जटिए। कहिंदे पिछले हाड़ी फसल सज दी चंगे कणक ते छोले, पर किसान दी जिंदगी लटके ऐसी शक्त पत ओले, नी पक्की ते आफत पै गई, बारा खेत नू चेत बारा चेत नू खेतां च डड्डू बोले, नी पक्की ते आफत पै गई। वो कहिंदे वे हाड़ी दा दस की भरोसा ते कादी खुशी मनानी, पंज महीने विच पै जे घर आवे तां जानी, वे सोके डोबे औले आफतां, वे सोके डोबे औले आफतां, टिड्डी टोर तो बची तां वादी खाणी, वे सोके डोबे औले आफतां। ओ घर आई वी केड़ी रहिंदी नी तोड़े लक मंगियाई, ओ लगी अग बाजार दे अंदर रोवे कुल लुकाई, नी मैं लुटिया बलकियां ने रत टैक्सा ने मेरी नी सकाई, मैं लुटिया बलकियां ने। ओ कहंदी है फिर ओ थौड़ा चुक मजदूर खलोताई, ओ थौड़ा चुक मजदूर खलोताई, पक्का मन बना के ते दाती चुके तू कर साना, तुरपो पैर मिला के वे नथ पाइए मोदी होरां नूं, आजा नथ पाइए मोदी होरां नूं, झंडा इको ही किसाना वाला ठाके वे नथ पाइए मोदी होरां नूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। हुण मैं बेनती करदा काका बिक्रमजीत सिंह जो जफरनामा अपने सामने पेश करनगे, काका बिक्रमजीत सिंह आ जान जी बच्चा, उस तो अगले बुलारे विलियम मसीह जट्टा वह भी तैयार रहन जी। बाबा बुद्ध सिंह वालों संस्था ब्रह्म ज्ञानी हजारा सिंह छोटे घूमन वह भी तैयार रहन जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐ ਨਿਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਪੁਲੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁਰਫੁਰੇ, ਓ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, झूठ दी है रूह तेरी ते झूठ दा ही जिस्म है,
मैं शुरू करदा हां चिट्ठी अपनी दा सिलसिला, वेख मेरे दिल दी रसंत दा नजारा ही बुझदला। वाहिगुरु दे नाम दा लिखदा हां पहला हरफ, मैं तीर वांगू मारदा हां हरफ तेरी तरफ। मैं नाम तेरे दा अर्थ है सुंदर सजावट तख्त दी, पर तेरी सूरत है लगदी सितम गरकन बख्त दी। तेरी तस्बी देन मण के कैद खाने मौत दे, डंडियां दे नाल कड्डे अर्थ तू डंडौत दे। ए तेरी कड़वी कमीनी बदलियां दी पावना, जो हुण चाहुंदी जोर गुरु गोबिंद दा अजमावना। मैं तेरे पैरां दे हेठां अग ऐसी बलनी, जिसने तेरी सल्तनत ते बादशाही जलनी। की होया जे शेर दे बच्चे तुम्हारे गिदड़ा, की होया जे शेर दे बच्चे तुम्हारे गिदड़ा, की होया जे लिद तू फिरदा हुंडाई लिदड़ा। जो खुदा दे नाम ते चकिया तू कसमा मर गईया, तेरिया पंजे नमाजा नू कलंकित कर गईया। आ सुनावा किस तरह कर देने यो दे गुफ्तगू, आ विखावा किस तरह लड़ देने यो दे जंग जू। जंग दे मैदान विच फौजा सजाइया जांदिया, हो क्या मो सामने ते गाय उठाइया जांदिया। जेना फौजा नू लड़ाउणा चाउण यादे शक रे, दो हाथरा दे सूर में जरनैल कर दे टक रे। तू ही ऐना फौजा नू ले आजा मेरे रूबरू, मैं लड़ांगा जंग ओसे ही तरह दी हूबहू। ओ खुदा दे मुजरमा तू बादशाह मरदूद है, अपनी ही अग अंदर सड़ रहा नमरूद है। अपना वा रब दी तहरीर अनपढ़ आलमा, आवे खावा रब दी रहमत द जलवा जालमा। सुने बोले बादशाह ए वक्त दी आवाज है, खालसे दी इस्तबाही बिच भी कोई राज है। ए तबाही है ओई उजड़े वसावण वास्ते, ए तबाही है ओई रोंदे हसावण वास्ते। जो है कीता तेरिया फौजां गड़ी चमकौर विच, बुझ दिली नहीं उस तो वड्डी है कोई उस दौर विच। फुंडियां जा तीर मेरे ने खान ना हर खान नू, सब तेरे जरनैल फिर देसी लुकाए जान नू। कट गए तेरे हजारा सी सिपाही कट गए, डट गए मेरे लड़ाके सिंह चाली डट गए। ओ तेरा खवाजा है मरदूद वड्डा सूरमा, जे न लुकदा उसदा मैं कुट दिंदा चूरमा। उस कड़ी खुदा ने कीती आप मेरी रैबरी, अपने बंदे दिखीती आप बंदा परवरी। मैं हजारा केरिया नू तोड़ के हाँ आ गया, बादशाह मैं तेरा मुँह मोड़ के हाँ आ गया। झूठियां कसमां दशाह तू ही जिम्मेवार।
वाल मेरा एक भी विंगा तू कर सकता नहीं, खालसा मेरा तहशरा तीक मर सकता नहीं, मैं खत्म कर दाह चिट्ठी खोल या जिस पाज है, बस पराना चंदना दा ए जो तेरा राज है, तू हवा भी नहीं छूहू सकदा गोबिंद दी, बस फूक निकली ही समझो बादशाह हिंद दी, जे है चादर पेड़िए तेनु मरण दी है लालसा, जे है चादर पेड़िए तेनु मरण दी है लालसा, मैं तेरे पीछे लगाऊं शेर बब्बर खालसा, सच दा चंदा तेरे तख्त उत्ते गट के राह उलीकांगा, नवा एक तीर अपना छट के, एक तीर अपना छट के, एक तीर अपना छट के, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोलो सो निहाल, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी बच्चे की हौसला अफजाई करने के लिए। सो एक बेनती है जी, बच्चा गुम होया जी, उसका नाम है इंबल हुसैन, इंबल हुसैन बच्चे का नाम है जी, 3 तो 4 साल उसकी उम्र आ। सो बेनती है जिथे भी कोई बच्चा मिलता उन्हूं नाम पुछ के स्टेज को पहुँचाया जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। सो अगली बेनती है जी विलियम मसीह जट्टा तो, उदू बाद बाबा बुद्ध सिंह वालों संस्था ब्रह्म ज्ञानी हजारा सिंह छोटे घूमन वह भी तैयार रहन जी, गुरनाम सिंह दाऊद वह भी तैयार रहन जी। उदू बाद सत्कारयोग किसान साथियों, मैं तुहानू अपने दिल की गल दसना चाहता कि जदों का शंभू बार्डर से चाहे जिद्दी के दिल्ली के जिन्हें भी बार्डर से धरना लगा आ, मैं रात दिन इसे ख्याल मेरा होंदा सी भी किहड़ा वेला होवे तो मैं दिल्ली चल जा, हुण भी सानू 3-4 दिन हो गए जदों के भी यही आए हैं, 4 सवेरे दिल्ली के घूम के वेख्या तो सानू दिल्ली थोड़ी तो पंजाब ज़्यादा लगन दिया, क्योंकि 4 सवेरे पंजाबियों ने घेरिया होया दिल्ली नू, ते साडा ईसाई भाईचारा जिहड़ा सारा किसान मजदूरों के नाल आ, जिन्ना तक कराले कानून रद्द ना किए जाएंगे पूरा पूरा साथ रहेगा, तो साढ़े नाल संयोगी पहुंचे ने गुरनाम सिंह माछीवाला, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना, साढ़े जथेबंदी उत्साह बहुत ज़्यादा दिता आ, मैनू बोलन का बहुत मन ही बड़े चिर का तावला हाँ कि वो वो बोला पर पिछों हुक्म आ कि 2 मिनट ही बोलना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना, मैं नारा लाने लगा तो नारे के नाल मोदी के कमनी छिड़नी चाहिए, इस तरह का नारा बोलना, कस्ता किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। समय का जिहड़ा ध्यान रखने के लिए मैं अगली बेनती करना जी, बाबा बुद्ध सिंह वालों संस्था ब्रह्म ज्ञानी हजारा सिंह छोटे घूमन, उन्होंने बेनती है जी, अपने हकां लई जूझ रहे जुझारू किसान वीरों, आओ सब तो पहला रसना पवित्र करिए, फतेह बुलाइए, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज तो तकरीबन 2-2.5 महीने तो सारे किसान वीर काले कानूनां नूं वापस कराउण लई करो ते मरो दी जंग लड़ रहे ने, उस लड़ी तहत ही पिछले तकरीबन 14-15 दिन तो पूरे पंजाब ते हरियाणे दे लोग दिल्ली नू घेरी बैठे हुए हैं, ताकि आपां ए अपना एकता विखा के इन्हां काले कानूनां नू वापस कराइए। मैं खास तौर ते पंजाब दे किसानां नू इस गल दी वधाई देनी चाहुंदा हां कि जिन्हां ने
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਾ ਡੰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਏਕਾ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਬੁੱਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।